Hello, TKT fam. What's up? And how you all are doing? So this is KP Science and welcome back to my channel, guys. So जैसे कि ना मैंने पिछली बार Mama Earth के जो new lip crayons है ना, like जो lipsticks है, उनका पूरा complete review and demo किया था. And I asked you guys कि अगर आपको उनके lip serums का भी complete swatches चाहिए, तो you guys said yes. So I thought कि I should make like a complete review and swatches video of Mama Earth lip serums. So yeah, that is what we are going to do in today's video. Please ignore my look. My hair are a little bit messy today. ठीक है. And also my eyes are a little bit swollen because मैं रात को सोई नहीं. I had a lot of work to do. So yeah, video को start करते हैं. But if you have not subscribed my channel yet, please subscribe my channel, like this video and share with your friends. So without wasting any further time, let's get rolling. जो मामा अर्थ के लिप सीरम्स आपको मिलते हैं ना, आपको कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मिलते हैं. इस तरीके से आपको पैकिंग मिलती है. इट सेज मामा अर्थ नेचुरली मैट लिप सीरम विद विटामिन सी एंड ई. यहाँ पे सारी उसकी जितनी भी यू नो मतलब डिटेल्स होती हैं, यहाँ ऊपर आपको शेड्स मेंशन होते हैं. यहाँ पे मैग्नेटिक, आपको आवाज आ रही होगी, ये मैग्नेटिक मिल जाती है. एंड अंदर आपकी लिपस्टिक होती है. अभी लिपस्टिक है नहीं, बाहर निकली हुई है. ठीक है, इस तरीके की आपको पैकेजिंग में यहाँ पे रिसीव हो जाता है. ठीक है. सोना ये वाली जो है, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या क्लेम करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा इसका कितना प्राइस है. ठीक है, इसमें आपको 3 ml की क्वांटिटी मिल जाती है. इट सेज की हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, लॉन्ग स्टे है. इसमें वाइटामिन सी एंड ई है. वाइटामिन सी और ई जो होता है ना, एक्चुअली वाइटामिन सी जो आपकी लिप्स पे पिगमेंटेशन होती है उसको थोड़ा सा कम करने में हेल्प करता है. एंड वाइटामिन ई की हेल्प से आप लोगों को पता है ये अच्छी खासी हाइड्रेशन आपके लिप्स को मिल जाती है. ठीक है, सो यहाँ पे बैक पे इसकी मतलब बेसिक डिटेल्स लिखी हुई है एंड एवरीथिंग लिखी हुई है. आप इसको 3 साल तक यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर 21 में मैन्युफैक्चर है, आप इसको 24 तक यूज कर सकते हो. तो 3 साल तक अगर आप एक लिपस्टिक को यूज कर सकते हो, आई डोंट थिंक सो दैट इज अ बैड डील एट ऑल. आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ स्टील डील, क्योंकि 3 साल में जो लोग डेली बेसिस पे लिपस्टिक लगाते ही नहीं है ना, उनकी 3 साल में खत्म, लाइक साल में तो खत्म नहीं होती है. ठीक है, 3 साल तक अच्छी खासी आपकी चल जाएगी. या दैट वॉज इट फॉर द पैकेजिंग. पैकेजिंग में इतना कुछ है नहीं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया. ठीक है, इट सेज के स्मज प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे रिसीव हुई थी, मेरे को जब मैंने पढ़ा लिप सीरम्स, आई वॉज लाइक लिप सीरम जो नॉर्मली हम फेशियल सीरम लगाते हैं वैसे ही लिप सीरम होगा. बट ये लिप सीरम जो मुझे रिसीव हुई, मुझे लगा यार ये लिपस्टिक है. ठीक है, बट इसको ना लिप सीरम इसके फॉर्मूले की वजह से बोला गया. अभी हम आगे बात करेंगे क्या इसका फॉर्मूला है, क्यों इसको लिप सीरम बोला गया. इसमें आपको 8 different शेड मिल जाते हैं. मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ. आपको यहाँ पे 8 different sort of shades मिल जाते हैं, जिसमें आपको pinks मिलते हैं, nudes मिलते हैं, reds मिलते हैं, then यहाँ पे थोड़ा सा purple ही मिलता है. Like basically जो shades है ना, brown मिलता है. जो shade है इसके वो pink, purple, mauve, red and brown. ये आपको you know इस family में यहाँ पे सारे के सारे shades मिल जाते हैं. ये कहते हैं कि इसका 12 hour long stay है, कि मतलब ये 12 घंटे तक टिकती है और 8 hours तक आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है. हाइड्रेशन के मामले में मैं कोई दिक्कत नहीं दूंगी, बिकॉज ये लिप्स पे लगाई ना, लिटरली आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने बहुत ही ज्यादा कुछ मैट लगा रखा है. इन्होंने लिप सीरम इसको नाम क्यों दे रखा है, मैं आपको अब बताती हूँ कि ये नाम जो है इसका लिप सीरम क्यों है. ठीक है, ये आपको यहाँ पे पैकेजिंग मिल जाती है. मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी. ये वाला शेड है 01, दैट इज कैरमल न्यूड. मतलब आप देख रहे हो कितना ज्यादा स्मूथ एप्लीकेशन हो रही है. ये एप्लीकेशन में बहुत ही ज्यादा स्मूथ है. आपको ऐसा फील होगा कि आप कोई लिप बाम अपने यू नो लिप्स पे लगा रहे हो, उस टाइप की आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी मिल जाती है. बट थोड़ी देर के बाद ये कम्प्लीटली मैट ड्राई हो जाती है. यू गाइस कैन सी दिस इज ऑन माई लिप्स, लाइक दूसरा शेड है, बट ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है. ऐसा लग रहा है मैंने मैट लिपस्टिक लगा रखे. दिस इज द रीजन इन्होंने इसको लिप सीरम नाम दिया हुआ है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना, जब आप इसको अप्लाई करते हो, बिल्कुल एक लिप सीरम की तरह लाइक फील होता है. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट क्या ऐसा फील होता है कि आपको ऐसा बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि आपने मैट लिपस्टिक लगा रखी है, नहीं आपको फील होता है. ऑब्वियसली बात है गाइज, कोई चीज आप लिप्स पे लगा रहे हो ना, तो आपको पता लगेगा कि आपने कुछ लगा रखा है. ऐसा कुछ कभी कुछ नहीं होता कि आपको ऐसा फील होगा अरे यार मैंने तो लिप बाम ही लगा रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, सो फील होता है. ऑब्वियसली बात है, आपने लिप बाम लगा रखी, लिपस्टिक आपने लगा रखी है, बट कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है. मतलब जब आप इसको ऐसे करते हो ना, कई लिपस्टिक होती है बहुत ज्यादा स्टिकीनेस आ जाती है लिपस्टिक्स के अंदर, लाइक समर में स्पेशली. विंटर में इतना नहीं होता, लेकिन समर्स में उतना है कि क्योंकि पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तो लिपस्टिक बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है. बट ये ऐसी नहीं होती, तो मुझे इसकी में वो चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी. एंड
पिक्चर मुझे अच्छी और इसमें लगी ना कि जब आप इसको अप्लाई कर रहे होते हो, जरूरी नहीं है कि आपको पूरी कंप्लीट लिपस्टिक की तरह इसको लगाना, आप बिल्कुल हल्का सा लगा के ना इसको फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो, क्योंकि इसका फॉर्मूला इस टाइप का, फिंगर से लगा के आप हल्का सा ब्लेंड कर दो, आपको इस तरीके का लगेगा कि आपने लिप टिंट लगा रखा है। आप इसको चीक्स पे यूज कर लो, आईज पे यूज कर लो, तो लिप टिंट वाला भी इसमें इफेक्ट मिल जाता है। तो मुझे इसमें वो वाली चीज भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अच्छी खासी आपके लिप्स पे रहती है, ट्रांसफर नहीं होते, लाइक मैंने लगा रखे, यू गाइस कैन सी, बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होती है, स्मज नहीं होती है, क्योंकि बिल्कुल मैट फिनिश में ये सेट हो जाती है। अभी आप देख रहे हो ग्लॉसी है, धीरे धीरे जैसे जैसे सेट होती जाएगी ना ये कम्प्लीटली मैट हो जाती है, स्मज नहीं होती है, ट्रांसफर नहीं होती है, बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टे है इसका, ठीक है। अगर आप ऑफिस के बाद कुछ ऑयली वगैरह खाओगे पियोगे तो हल्का सा रिमूव हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये बिल्कुल भी नहीं हिलती है। If I have to say कि ये अदर लिपस्टिक्स से बेटर है या फिर नहीं है, I will not compare it with other lipsticks, ठीक है। मैं लिपस्टिक्स I don't compare, क्योंकि हर किसी का अपना फॉर्मूला होता है, बट मुझे ये फील हुआ कि ये बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल टू वेयर है, ठीक है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं चाहिए, जिनको हल्का सा अपने लिप्स पे सिर्फ कलर चाहिए, टेंट चाहिए ना, अगर हल्का सा लगा के इसे ब्लेंड आउट कर लोगे ना, ट्रस्ट मी यू विल नॉट इवन फील कि आपने कुछ लगा भी रखा है अपने लिप्स पे, इतना ज्यादा आपको कम्फर्टेबल फील होता है। सो कम्फर्टेबल के मामले में ना मैं इसको 10/10 दूंगी, क्योंकि लिपस्टिक लगाने में बहुत ज्यादा, लिप सीरम लिपस्टिक भी कह सकते हैं, लगाने में बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है, ठीक है। बट अगर आप इस तरीके से पूरा लगाओगे, ऑब्वियसली यू आर गोना फील कि आपने कुछ लिप्स पे लगा रखा है, बिल्कुल इतनी लाइट वेट कोई भी लिपस्टिक नहीं होती, ठीक है। सो दैट वॉज लाइक अ ब्रीफ डिटेल अबाउट द यू नो लिपस्टिक्स, आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कुछ और पॉइंट बच रहा है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं इसके स्वॉचेस इन द नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट में हम इसके स्वॉचेस देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे साथ के साथ नॉर्मल शेड दिखाते जाती हूँ, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको इसके नेचुरल लाइट में लिप स्वॉचेस दिखते जाएंगे। ये वाला जो शेड था ये हमने लगाया था कैरमल न्यूड, आई एम जस्ट सॉरी अगर आपको टेढ़े मेढ़े शेड यहाँ पर दिख जाए, ठीक है। फर्स्ट शेड जो हमने लगाया था वो था कैरमल न्यूड, मैं आपको बताती हूँ सेकंड शेड, आई थिंक हमें लाइन वाइज करना चाहिए, राइट, बट आई हैव टू लिटरली फाइंड। नेक्स्ट शेड है रोजी न्यूड विच इज ऑन माई लिप्स राइट नाउ, ये मैंने अपना रोजी न्यूड शेड ही लगा रखा है ऑन माई लिप्स, मैं आपको इसका स्वॉच दिखा देती हूँ। अगेन अ रियली ब्यूटिफुल पीची न्यूड सॉर्ट ऑफ शेड, इस तरीके का शेड आपको मिल जाता है, बिल्कुल प्यारा सा शेड है, हर स्किन टोन पे ना बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा ये, ठीक है। सेकेंड शेड, देन द थर्ड शेड वी हैव इज बेरीडिक्ट मजेंटा, इट्स सॉर्ट ऑफ अ डार्क मजेंटा शेड अगेन, जो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। लेट मी जस्ट शो यू इट्स वॉच, मतलब इसके अंदर ना थोड़े से पर्पल के टोन्स हैं, एंड लाइक ट्रस्ट मी ये लगाने में बहुत ज्यादा स्मूथ है, आई मीन जस्ट टेक अ लुक, है ना, डार्क स्किन टोन पे भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा कूल टोन का शेड है तो कूल स्किन टोन पे बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा, इस टाइप का शेड है, लगाने में ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, आपको लिटरली ऐसा फील नहीं होगा कि आपने पता नहीं कोई लिपस्टिक लगा रखी या फिर नहीं लगा रखी। ओके, लेट्स सी इट्स फोर्थ शेड, फोर्थ शेड है इसका, दैट इज चर्पी चेरी, एक रेड सॉर्ट ऑफ शेड है, मैंने इसको अपनी टॉप 10 रेड लिपस्टिक्स में भी आपके साथ शेयर किया था। सो लेट मी जस्ट शो यू चर्पी चेरी किस तरीके का शेड विजिबल हो जाता है, अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल रेड शेड, लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक, रेड कलर का शेड है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, लाइक जो एक प्रॉपर ब्लड रेड रेड होता है ना, मतलब आपको यहां से ही दिख रहा होगा यार कितना ज्यादा रेड वाला शेड है, ठीक है। देन द फिफ्थ शेड वी हैव इज पिंक डैफोडिल, दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक एग्जैक्ट पिंक नहीं है ये ना, थोड़ा मॉविश टाइप का पिंक है जिसमें थोड़े से मॉव के टोन्स भी आते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको ना जो हमने पिंक रोजी न्यूड करा था उसके साथ में मैं इसको आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ, एंड दिस इज हाउ द स्वॉच लुक्स लाइक, ये था रोजी न्यूड और ये है पिंक डैफोडिल, आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा, ये पूरा पिंक पिंक है, इसमें हल्के से ना मॉव के अंडरटोन्स आ जाते हैं, तो थोड़ा सा यू नो डार्कर टाइप का इसका शेड बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट शेड वी हैव इज कैंडीलिशियस न्यूड, दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक, इसका नेम कैंडीलिशियस न्यूड है, ये एक सॉर्ट ऑफ डार्क कलर का शेड है, आई विल से मतलब ये ना थोड़ा सा कूल टोन का शेड है, ज्यादा फेयर स्किन टोन पे ये ज्यादा अच्छा लगेगा, दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक, ठीक है। मतलब कूल टोन है बट थोड़े होते हैं ना पॉपी कलर के पिंक कलर होते हैं, कोरल वाले जिसमें शेड्स होते हैं, ये उस टाइप का शेड है, ठीक है। नेक्स्ट शेड वी हैव 07 दैट इज बीट एट रेड, अगेन ये एक रेड शेड है, जो हमने पहले किया था ना चर्पी चेरी, उससे थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कूल अंडरटोन का, जो एक मैं आपको दिखाती हूँ, लेट मी जस्ट शो यू, ऐसे समझ नहीं लगेगा, आई एम रियली बैड एट एक्सप्लेनिंग कलर्स, आई जस्ट डोंट नो व्हाई, दिस इज हाउ द बीट रेड लुक्स लाइक एंड दिस वॉज चर्पी चेरी, चर्पी चेरी वॉज मोर ऑफ लाइक अ रानी कलर, डार्क रानी कलर, एंड ये प्रॉपर जो एक रेड होता है ना, मतलब बिल्कुल ही ब्लड रेड सॉर्ट ऑफ कलर होता है, वो होता है लाइक जिनका खून बड़ा हल्का हल्का सा होता है, समझ रहे हो आप। ओके, एंड द लास्ट शेड वी हैव इज चॉकलेट ट्रफल, दिस इज लाइक अ रियली गुड शेड, मेरे को ये वाला शेड इनका बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मैं दिखा देती हूँ, दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक, एक ब्राउन कलर है ये,
प्रॉपर प्रॉपर ब्राउन शेड है, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है. एंड या दीज आर देयर 8 पर्टिकुलर शेड्स. सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. लिप स्वॉचेस वगैरह एंड एवरीथिंग आपको अच्छे लगे होंगे. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना. एंड कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी. सो या आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.